रिजर्व पुलिस लाइन परिसर स्थित क्वार्टर गार्ड में शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के अवसर पर एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन में कहा कि सरदार पटेल का पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित रहा, हमें अपने जीवन को देश सेवा व इसके विकास में लगाना है, सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ईमानदारी से काम करना है। वहीं इससे पूर्व उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस अवसर पर एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने मातहतों को राष्ट्र सेवा व एकता की शपथ दिलाई। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा भी मातहतों को राष्ट्र सेवा एवं एकता की शपथ दिलाते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पदचिन्हों पर चलकर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प दोहराया गया। इस दौरान एसपी लाइन सोनम कुमार, आरआई उमेश दुबे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा। दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। अच्छा, ये सभी लोग जेडीसी होगी उस ट्रेनिंग में प्रारंभिक रूप से आपको वर्दी सिलवाना, वर्दी पहनना ये सिखाया जाएगा। एक टाइम टेबल आर आई साहब और एसपी लाइन साहब आप उनका जारी कर दीजिए, मैं वो टर्मिनेट कर दूंगा अगर आप ट्रेनिंग टाइम में गलत वर्दी पहनते हैं तो, या कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो। आप जहाँ पर आप रह रहे हैं पुलिस लाइन नहीं है, पुलिस लाइन में जिस जगह आप रह रहे हैं, बिना आरआई की अनुमति के, आपका जो इंस्पेक्टर है उसकी अनुमति के लाइन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिना अनुमति के आप इधर उधर वॉन्डरिंग नहीं करेंगे। स्वेच्छा से शाम को 6 बजे तक इनका पूरा ढंग से टाइम टेबल बनाएंगे और समय से आप लोग अनुशासन में रहते हुए इस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। उसके बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आवंटित होगा, जो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो भी आवंटित होगा, वहां भेजा जाएगा। कोई भी अनुपस्थित नहीं होगा, अनाधिकृत अनुपस्थित अगर कोई भी सिपाही होता है, इनकी अटेंडेंस सुबह और शाम दोनों टाइम ली जाएगी। समझे आ रहे सर? ये आप लोगों ने अभी ट्रेनिंग से शुरू जारी नहीं किया शेड्यूल इनका, जबकि ये आए हुए 5-7 दिन के 10 दिन हो चुके हैं। आप लोगों ने अभी जितने भी जेटीसी से रिलेटेड, जेटीसी में क्या क्या होगा आप तो पढ़ चुके हैं। आप लेकर के मुझे आज डिस्कस करेंगे 1 बजे के आसपास ला करके मुझे साथ, ये जेटीसी में होगा। परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष हैं उनकी जयंती है और इसी जयंती के अवसर पे आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज पुलिस द्वारा पुलिस का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शपथ दिलाया गया है सभी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को कि राष्ट्र की एकता के लिए, वो एकता खंड बनाने के लिए
कृतबद्ध हैं और उसे पालन कराएंगे। एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, उसमें हमारे JTC के कॉन्स्टेबल्स और पुलिस लाइन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उपस्थित है। JTC हमारे यहाँ आई है सिपाहियों के, उनके वो भी हमने निर्दिष्ट किया है कि किस तरह से ड्यूटीज़ करनी है, कैसी आपकी ट्रेनिंग होगी आदि आदि, और समय से ये लोग अनुशासित तरीके से और पुलिस विभाग में सर्विस करने के लिए लोग आए हैं, तो उनको भी अलग से निर्देश दिए गए। थैंक यू।